दोस्तों हमारे बचपन को ओसम बनाने में नोकिया का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यार हमारे बचपन में ज्यादातर स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, बस होते तो थे नोकिया के फीचर फोन, जिनको हम पापा से छुप कर ले आते थे और उनमें स्नेक और क्रिकेट के गेम खेला करते थे। तो यार अगर आप भी नोकिया के फीचर फोन यूज करते हो और नोकिया के फीचर फोन आपको पसंद है, तो यार आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नोकिया ने चाइना में लॉन्च कर दिया है अपना एक नया फीचर फोन जो कि 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। दोस्तों इस फोन का जो नाम है वो है नोकिया 220 4G। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी फोन के फीचर्स और प्राइस के बारे में कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा और इसका इंडिया में प्राइस क्या होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन में हमें देखने को मिलती है 2.4 इंचेस की डिस्प्ले। अगर बात करें इस फोन की रैम और स्टोरेज की, तो इस फोन में हमें 16MB की रैम और 12MB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस फोन में हमें बैटरी भी काफी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इस फोन में हमें देखने को मिलती है 1200mAh की रिमूवेबल बैटरी, जिसको हम निकाल सकते हैं और फिर से फोन में लगा भी सकते हैं। अगर दोस्तों कैमरे की बात की जाए, तो इस फोन में हमें बैक में कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। इसी के साथ हमें एक LED फ्लैश भी इसमें देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी की। अगर इस फोन की कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो इसमें हमें ब्लूटूथ V4.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें हमें माइक्रो USB, FM रेडियो, 3.5mm जैक और 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन की सबसे अच्छी बात है कि ये फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है, क्योंकि आजकल जो सिम्स है वो हम काफी ज्यादा 4G वाले ही यूज करते हैं, तो इस फोन के साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी 4G सिम यूज करने में। दोस्तों इस फोन में हमें नोकिया का क्लासिक स्नेक का गेम पहले से ही डाउनलोड हुआ मिलेगा, जिसको हम बचपन में काफी ज्यादा खेला करते थे। अगर दोस्तों बात की जाए इसमें एप्स की, तो इसमें फेसबुक जैसी ऐप प्री इंस्टॉल देखने को हमें मिल जाएगी। अगर दोस्तों इंडिया में इस फोन के प्राइस की बात की जाए, तो इंडिया में इस फोन का जो प्राइस है वो लगभग 2500 रुपए के आसपास होने वाला है। अगर इसके लॉन्च डेट की बात की जाए, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो जून या जुलाई में इसको इंडिया में लॉन्च कर देंगे। दोस्तों अगर आप भी एक स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन भी यूज करते हो, और या आपके घर पर कोई फीचर फोन यूज करता है, तो नोकिया का ये 220 4G फीचर फोन काफी अच्छा ऑप्शन है उनको गिफ्ट करने के लिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सब बखैर, थैंक यू।